नई सोच सही दिशा की प्रस्तुति। वस्तुपाल तेजपाल ने विशल राजा के मामा का अंगूठा काट दिया था। अब जो सामायिक करने वाले व्यक्ति, प्रतिक्रमण करने वाले व्यक्ति, जाप तप करने वाले व्यक्ति और दीक्षा लेने की भावना रखने वाले व्यक्ति ऐसा काम करें तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यह धर्म के प्रति उनकी निष्ठा थी, श्रद्धा और समर्पण की भावना थी। सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, जाप तप करना, दान देना या अहिंसा का पालन करने का यह मतलब नहीं होता, यह अर्थ नहीं होता कि समाज या धर्म के लिए हम कमजोर बन जाएं या उसके लिए रोज हम कुछ न कुछ सुने। उसी प्रकार आचार्य रामचंद्र सूरी जी महाराज बालचंद्र जी को आचार्य पद देने को तैयार नहीं हुए। क्रूर राजा अजय पाल ने उनको बहुत क्रूर सजा दी, उनको जिंदा मार दिया, कड़ाई पर सुला दिया, तपती तपती कड़ाई पर मारा, साहब पूरी की तरह सिक गए, बिल्कुल एकदम समाप्त हो गए। तब भी उन्होंने देवगुरु धर्म का समर्पण स्वीकार किया, समझौता नहीं किया। ये उनकी धर्म के प्रति, समाज के प्रति, गुरु के प्रति, परंपराओं के प्रति, सिद्धांतों के प्रति निष्ठा थी। यूं कोई मरता नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चार साहिबजादों को, बेटों को बलिदान में लगा दिया तो ये भी धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उनकी निष्ठा थी। यूं का यूं कोई बलिदान नहीं देता, कोई अपना गंवाना नहीं चाहता। इसीलिए हमें सोचना चाहिए कि निष्ठावान व्यक्ति बलिदान देता है, निष्ठा जरूरी है। निष्ठा जब पनपती है, निष्ठा जब मजबूत बनती है, तो हम धर्म और समाज की रक्षा के लिए आगे आते हैं। जब निष्ठा नहीं होती तो कुछ नहीं करते हैं। अंग्रेज यहां पर आए, 150 साल तक उन्होंने राज किया, उन्होंने जरूर कमाया, भारत को लूटा, सब कुछ किया, लेकिन शिक्षा के माध्यम से उन्होंने परिवर्तन किए और बड़ी मात्रा में उन्होंने लोगों को ईसाई बनाया। इसका मतलब उनके अपने धर्म और उनके अपने समाज के प्रति उनकी निष्ठा थी, उनकी अपनी योजना थी, उनका अपना षड्यंत्र था। वे बड़े पक्के थे, सोच समझ करके उन्होंने सब किया। मात्र वे व्यापार के लिए नहीं आए थे। हम भारतीय लोग, विशेष करके हम जैन लोग, उन सारे षड्यंत्रों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए चुपचाप बैठे हैं, इसलिए अपने दुकान मकान को चलाते हैं, परिवार की चिंता करते हैं, धर्म और समाज की विशेष चिंता नहीं करते। जब तक धर्म और समाज की चिंता नहीं होगी तब तक धर्म और समाज सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। समर्पण की भूमिका, निष्ठा की भावना धर्म और समाज के प्रति सबसे पहले उंडेली जानी चाहिए। वो भीमा कुंडलिया था, पलितना की यात्रा पर गया था। गुजरात के उदयन के बेटे बाहर महामंत्री छरीपाली संग लेकर पलितना आए थे। तलटी में मीटिंग हो रही थी कि पलितना का उद्धार जरूरी है। पिताजी ने तो कसम खाई थी, उदयन महामंत्री की भावना थी, मैं उनका बेटा बाहर मैं पूरा जीर्णोद्धार करवा सकता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं मेरे अकेले का नहीं है, पलितना सकल संघ का है, तो सबको भी फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी जितना लाभ लेने का मौका मिले और सब मिलके करवाएं तो सबको गरिमा की अनुभूति हो। इसलिए उन्होंने कहा चलो एक चंदा कर लेते हैं। एक गरीब आदमी ग्वाले के तौर पर दूर खड़ा था, पुराने जमाने के कपड़े, वो भी मैले पहने हुए, 1 रुपये और 7 पैसे उसके पास में थे, इतना ही था, उस दिन की दूध की उतनी कमाई हुई थी। ये सब बड़े बड़े लोगों की मीटिंग ये देख रहा था, सभा के बीच में आया और वो पैसे उसने थमा दिए कि लो ये पैसे जीर्णोद्धार में आप उपयोग में ले लेना। बाहर महामंत्री ने देखा ऐसा गरीब आदमी और वो दे रहा है अपना आज की पूरी कमाई, कितना बड़ा काम कहा जाए, कितनी बड़ी धर्मनिष्ठा और समाज निष्ठा कही जाए। तब बाहर महामंत्री ने बैठे हुए लोगों से निवेदन किया कि जब तख्ती लगाई जाए सभी लाभार्थियों की तो मैं चाहता हूं मेरा नाम आखिर में हो लेकिन इस आदमी का नाम सबसे पहला हो, क्योंकि हम अगर अपने पास में 1 करोड़ हो और उसमें से 1-2 लाख रुपए का दान करें तो वो बहुत बड़ा नहीं हुआ, वो 1-2% हुआ, 1-2 टकाई हुआ, लेकिन ये आदमी आज की पूरी कमाई इस तीर्थ के निर्माण के लिए देने को तैयार है। ऐसे सामान्य, बिल्कुल सामान्य वर्ग के व्यक्ति के भीतर की निष्ठा देखो तो भीमा कुंडलिया के मन में धर्म और समाज के प्रति वो श्रद्धा थी, वो निष्ठा थी। बिना निष्ठा के आदमी सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार नहीं होता। वो घर गया, गाय के लिए खूंटा गाड़ रहा था तो जोर से किसी धातु से उस खूंटे के टकराने की आवाज आई। खड्डा खोदा तो मालूम पड़ा बहुत बड़ा तांबे का कलश है और पूरा कलश सोना मोहरों से भरा हुआ है। भीमा ने और भीमा की पत्नी ने कलश निकाला, तत्काल भीमा के मुंह से शब्द निकले कि ये अपना नहीं, देवगुरु धर्म का है, पलितना महातीर्थ का उद्धार हो रहा है, शायद ये उस पुण्य से निकला है, ये अपने को सौभाग्य मिला है,
ये सब पैसा ले लेते हैं और जाकर के पालीताना महातीर्थ के उद्धार के लिए दे के आते हैं। तभी देववाणी हुई कि भीमा, ये पालीताना महातीर्थ के जीर्णोद्धार के लिए नहीं, तुम्हारे गुजर बसर के लिए दिया जा रहा है, तुम रखो, तुम इसे संभालो। ये थी धर्म की निष्ठा, समाज की निष्ठा। निष्ठा के बिना समर्पण नहीं होता, निष्ठा के बिना बलिदान दिए नहीं जाते। इसीलिए मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं किसी संघ के विरोध में नहीं, मैं आग लगाना नहीं चाहता, मैं तो आग लगी हुई है उसे बुझाना चाहता हूं। इसीलिए मैं प्रतिकार की जो भूमिका अपनाता हूं वो आग लगाने की या आग में और तेल डालने की बात नहीं है, ठीक तरीके से समाज को बचाने और धर्म के गौरव की रक्षा की बात है। हम बहुत वर्षों से कमजोर बने हैं। मैं लगभग 38-39 साल से अपने समाज को, अपने धर्म को देख रहा हूं। बहुत बार हमें पीछे हटना पड़ा है, मार खानी पड़ी है, अपमान सहना पड़ा है, हार माननी पड़ी है, या फिर समझौते करने पड़े हैं। सच्चे होते हुए भी, अच्छे होते हुए भी हमें बुजदिल बनना पड़ा है। अब धीरे धीरे ऐसा करते जाएंगे तो समाज की यही फितरत बन जाएगी, समाज का ऐसा ही स्वरूप बन जाएगा। फिर समाज में कोई संघर्ष करने वाला, स्वाभिमान से जीने वाला बाहर नहीं आएगा। और इसीलिए समाज और धर्म की रक्षा के लिए मजबूती से व्यवस्थाएं करनी चाहिए, ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हमें किसी प्रकार के समझौते नहीं करने हैं। जरूर हम किसी को न मारें, किसी को गाली न दें, किसी का बुरा न करें, किसी की जिंदगी बेहाली में न पहुंचाएं, लेकिन अपने धर्म और अपने समाज की समीचीन रक्षा करें, उसके गौरव को बढ़ाएं, उसके लिए सब संगठित बने। मैं ऐसे हजारों लाखों युवाओं को देख रहा हूं, जैन युवाओं को, जो मजबूत हैं, जिन्हें संगठित होना है, जिनके मन में एक ज्वाला जल रही है, जिनके मन में गरिमा की भावना है, जो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन कई सारे बड़े बुजुर्ग हैं, अलग अलग संस्थाओं में बैठे हैं, वर्षों से पद पर बैठे हैं, ट्रस्टी होकर बैठे हैं, या बड़े बड़े साधु भगवंत हैं, बड़े बड़े आचार्य और गच्छ नायक बन करके बैठे हैं, वे उन सबको करने नहीं दे रहे, करते हुए को रोकते हैं। और इसीलिए अपने समाज का नेतृत्व कमजोर हो रहा, समाज की व्यवस्थाएं कमजोर हो रही। वरना अलग अलग बाबतों के लिए हर 2-4 महीने में कोई ना कोई घटना घटती है और जैन समाज को नीचा देखना पड़ता है। ऐसा कौन सा गुनाह है जब हमारे पास में इतनी पवित्रता है, इतने महान सिद्धांत है, इतनी सुंदर हमारी आचार विचार की शैली है, इतने पवित्र हम लोग हैं, तो हमको बार बार इस प्रकार बेहाली क्यों झेलनी पड़े, क्यों हमें परास्त होना पड़े। इसीलिए मैं कहता हूं, कभी किसी भी संघ में कोई भी घटना घटे या घटने वाली हो, ये पता चले, या छोटा मोटा भी उस घटना का, दुर्घटना का कोई स्वरूप बनने के लिए तैयार हो, तभी हमको चेत जाना चाहिए, जोरदार मजबूती से सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे उन दुश्मनों को प्रसिद्धि मिल जाएगी, दुश्मन और आगे बढ़ जाएंगे। दुश्मन तो प्रसिद्धि प्राप्त कर ही रहे हैं, आपके चुप रहने से दुश्मन आगे बढ़ ही रहे हैं, दुश्मन तो मजबूत हो ही रहे हैं। जितने वे मजबूत हो रहे हैं, उतना अपना समाज कमजोर हो रहा है या हमारी बेहाली हो रही है। इसीलिए ये नहीं सोचना होता प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि की बात क्या है, प्रसिद्धि तो उनको मिलने ही वाले हैं, आप ना भी करो तो भी, अजेनों में बहुत बड़ी मात्रा में वे प्रसिद्धि प्राप्त कर ही रहे हैं। हमारा काम है हम अपने समाज को बचाएं, धर्म को बचाएं, सामने ये ना देखें कि किसको प्रसिद्धि मिल रही है, क्या हो रहा है। इसलिए हर संघ को, हर संगठन को, हर समाज के व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जब कभी भी अपने धर्म या समाज के विरोध में कुछ हो, तत्काल हम एकत्रित बने, संगठित बने, सामना करें, गरिमा के साथ में आगे बढ़े, बिल्कुल ना घबराएं। अगर हमारी गलती नहीं है तो साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके और हम विजेता बने, हम सफल बने, हम अपने समाज को और धर्म को सुरक्षित रखें। मैं आशा करता हूं आप सभी बातों को समझेंगे, संबंधित सभी लोग भी इन बाबतों का संज्ञान लेंगे, सावधान रहेंगे, धर्म का, समाज का विकास करेंगे, अपने समाज की, अपने धर्म की हानि नहीं होने देंगे। ऐसी कामनाओं के साथ आज इतना ही। ओम शांति।